हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदु की रसोई। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सहजन की सब्जी। तो चलिए हम बताते हैं इसे कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स, ये हम सहजन ले लिए हैं, ये थोड़ा मोटा वाला सहजन है और ये देखिए ये थोड़ा नरम वाला है, ये अभी बहुत पतला है। तो इसमें रेशे कम होती है और जो मोटा वाला होता है इसमें रेशा होता है। तो ये देखिए हम इसको, इसका रेशा कैसे हटाएंगे, तो इसको चाकू की मदद से थोड़ा सा कट लगाएंगे और इसमें बहुत लंबे रेशे निकलते हैं। और ये देखिए, और इधर जो हम रेशा हटाए हैं उसका, उधर से हम थोड़ा सा चाकू से कट लगाएंगे और इसी तरह से जिधर नहीं छिला हुआ है उधर से हम छील लेंगे। ये आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े रेशे निकल रहे हैं। और इसी तरह हम लंबे लंबे पीसेस में इसको कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत फायदेमंद सब्जी है, ये इसी सीजन में मिलता है। तो इनमें विटामिन सी और बीटा कैरोटीन से भरपूर होता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम इसको कट कर लेंगे और ये जो नरम वाला है ये बहुत आसानी से कट जाता है। तो इसी तरह से हम सारे सहजन को कट कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं हम सारे सहजन को कट कर लिए हैं और इनको हम अब वॉश करेंगे। तो ये देखिए इसमें कितना सारा रेशा निकला हुआ है। तो ये हम सहजन को वॉश करके ले लिए हैं। तो फ्रेंड्स, ये फरवरी मार्च और अप्रैल इसी मंथ में मिलता है। ये 3 मीडियम टमाटर ले लिए हैं, इसे रफली कट करके, और अदरक का टुकड़ा ये 2, और 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, 3 हरी मिर्च, और ये 2 बड़ा चम्मच हम सरसों लिए हैं, इसे राई भी कहते हैं। और इसको हम ग्राइंडर जार में डालकर बारीक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक बने रहिएगा मेरे वीडियो में। मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि सहजन की सब्जी कैसे बनती है। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस लेंगे। तो ये देखिए हमारा पेस्ट बनकर रेडी हो गया है और अब हम गैस पे रख देंगे कढ़ाई। इसमें हम डाल देंगे 3 टेबलस्पून सरसों तेल और इसमें डाल देंगे सहजन। पहले हम सहजन को भून लेंगे मीडियम फ्लेम में, इसे लगातार चलाते हुए फ्राई करना है। तो ये देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है, ये सहजन अब फ्राई हो गया है। और इसको हम निकाल लेंगे और फ्रेंड्स, इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे 3 से 4 बड़े चम्मच सरसों तेल और इसमें हम डालेंगे 5 फ़ोरन और 2 पिंच हींग। इसको हम चटकने देंगे, इसके बाद हम डाल देंगे मसाला जो हम पीस लिए थे, टमाटर और अदरक लहसुन मिर्चा, और इसको हम मीडियम आंच में भुनेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर अच्छा लगे तो, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और इसी में हम डाल देंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और इसको करेंगे मिक्स। एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मिर्च आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कम या ज़्यादा, हमने यहाँ कम मिर्ची का इस्तेमाल किया है। और इसमें डाल देंगे 1 चम्मच अशोक सब्जी मसाला, आप जो भी सब्जी मसाला यूज करते हैं ले सकते हैं। और इसको हम 2 से 3 मिनट भूनेंगे और इसी के साथ डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार और इसे ढककर हम पका लेंगे 1 से 2 मिनट तक। तो ये देखिए 2 मिनट बाद हमारा मसाले पे तेल आ गया है और इसको चलाते हुए हम 2 से 3 मिनट और भुनेंगे।
तो ये आप देख सकते हैं हमारा मसाला कढ़ाई छोड़ दिया है, मतलब ये अच्छे से भून गया है। इसी के साथ हम डालेंगे इसमें सहजन जो हम फ्राई करके रख लिए थे, और इसको चला लेंगे। और इसमें हम डालेंगे पानी, तो पानी हम इसमें अपने हिसाब से डालेंगे। हमने इसमें 3 गिलास पानी का यूज किया है। तो फ्रेंड्स, आपको जितनी ग्रेवी रखनी है आप अपने हिसाब से पानी ले सकते हैं। हमारा सहजन का सब्जी अधिक है इसलिए हम इसमें पानी का थोड़ा अधिक मात्रा रखी है, और हमें ग्रेवी भी बनानी है अधिक, तो इसलिए हम पानी अधिक डाले हैं। अगर आपको सूखी पसंद है तो आप थोड़ा कम पानी डालिएगा। तो ये देखिए, हम ढक के इसको 5 मिनट पकाए हैं। तो अभी हमारा सहजन पका नहीं है इसलिए अभी हम और ढक के इसको पकाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा सहजन पक चुका है। देख सकते हैं इसके ग्रेवी के ऊपर तेल भी आ गया है, और ये देखिए सहजन भी गल गया है। तो अब हम गैस को कर देंगे बंद, और हम इसमें डाल देंगे हरी धनिया पत्ता, और इसे हम सर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।